दिल्ली के थाना खजूरी इलाके के बीआर वाटिका में शादी रिसेप्शन समारोह में हुई फायरिंग। दिल्ली पुलिस के जवान ने की फायरिंग। आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है। शादी रिसेप्शन के दौरान दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने को लेकर हुआ विवाद। फायरिंग में मनोज और पूजा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजधानी दिल्ली में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छोटी से छोटी बातों को लेकर लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते। वहीं ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी इलाके का है, जहां एक रिसेप्शन पार्टी में फोटो खिंचाने को लेकर दिल्ली पुलिस का जवान नईम खान, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है, उसका दूल्हा पक्ष के लोगों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद नईम खान ने अपने एक साथी जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट में तैनात है, उससे उसकी सरकारी पिस्टल लेकर पार्टी में एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पार्टी में आए दूल्हा महेश गुप्ता के मौसेरे भाई मनोज और मौसेरी बहन पूजा गुप्ता को गोली लग गई। फोटो के ऊपर हुआ था, स्टेज पे फोटो खींची जा रही थी, इसमें अपने जो हमने बुक किए थे लड़का, तो वो लड़का तो फोटो खींच रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा लड़का भी आ गया था इसमें फोटो खींचने के लिए, जो हमें हमारे उसमें स्टाफ में नहीं था। हमने पूछा भी कौन है क्या है, तो उसी में ही थोड़ी कहासुनी सी हुई, बढ़ते 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 बात आगे तक पहुंच गई। इसमें मामला वहां पे हमने लोगों ने शांत करा दिया था, फिर बाद में जो पुलिस वाला जो है बाहर से बताइए कहीं से, वो अपनी बंदूक वगैरह जो पिस्टल कहते हैं क्या कहते हैं उसमें, क्या करा कि लोगों ने छीना झपटी, मतलब उसके हाथ को रोकने की कोशिश करी, और हाथ को रोकने की कोशिश करी मारने के हिसाब से, मारने के इरादे से आया था, तो उसके हाथ में जिसने हाथ पकड़ रखी थी बंदूकें छीन मतलब कि रोकने के लिए, उसके हाथ में मतलब गोली लगी इसमें, फिर उसके बीच में और भी रिश्तेदार जुड़ गए इसमें छीन मतलब छीनने के चक्कर में, ये कम से कम बचाव तले एक मतलब एक तो हवाई फायर हो गया एक हाथ में लग गई, फिर तीसरा जो फायर किया वो उसके हमारी जो भतीजी है उसके हाथ में लगा, तो वो जांग पे लगा था इसमें, उसमें ही थोड़ा बहुत आपस में कहना सुनी होगी दोस्तों में, तो उसके बाद में हमें तो पता नहीं, हम तो इधर लगे रहे, हमें तो पता नहीं किस बात पे हुआ किस बात पे नहीं हुई, हमें कोई पक्का पता नहीं है, और किस हिसाब से उन्होंने गोली चली क्या हुआ ये तो हमें कोई किसी बात का पता ही नहीं लगा। जब घायल हुए तो जब हम गए देखने के लिए तो जब तो बच्चे जा चुके थे हॉस्पिटल, सी फायर हुआ है दूसरे पे लगी है गोली। इस वारदात में बताया जा रहा है कि गोली मनोज के हाथ को चीरते हुए हाथ के आर पार हो गई, जबकि दूसरी गोली पूजा की टांग में लगी है, जिनको तुरंत पास के अस्पताल भेजा गया। गोली चलने के बाद वहां मौजूद भीड़ ने अपने बचाव के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली, इससे परेशान आरोपी पीड़ित परिवार के घर पिस्टल तलाशने पहुंचे, वहां ताला बंद देखकर घर के सभी ताले तोड़ पिस्टल तलाशने लगे। वो बिल्कुल ही मारने के इरादे से आया था, सर पे लगाई फिर पेट पे लगाई, तो एकदम वो करा था पकड़ ली फिर छीन ली थी उसकी, फिर और किसी को मार देता, वो बच्चे थे जरा जरा से उसके, हमारे ताले टूटे हुए थे, ये देखो ये बाहर लगा हुआ था एक अंदर था, दो कमरे के ऊपर टूटे, बक्से में भी खकोड़े उन्होंने पिस्टल और सारे मतलब करें कपड़े अपड़े में तो छत्ती में टांड पे भी सारे में देखा, वो देख रहे थे पिस्टल कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी। जहां एक तरफ दूल्हे के परिवार वाले शादी की खुशियां मना रहे थे, वहीं इस घटना से घर के दो लोगों को गोली लगने से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। सोनाक्षी के साथ दिनेश सोलंकी की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।